आज चिंटू अपने लाल रोबोट की पीठ पर बैठकर पूरे जंगल में घूम रहा था। उसे इस तरह सवारी करना बहुत पसंद था। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। ए चिंटू, अब अगर तुमने मुझे एक और बार घोड़ा बोला तो मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। अचानक उस जंगल में रहने वाला एक खूंखार चीता चिंटू को और उसके रोबोट को अपनी तरफ आता देख लेता है। आज तो चमत्कार हो गया, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है, अब ये दोनों बचकर नहीं जा पाएंगे। फिर वह चीता छलांग लगाकर चिंटू पर हमला कर देता है। उस चीते ने चिंटू को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। तभी चिंटू चिल्लाने लगता है, ए चीता मुझे छोड़ दे, इसके बदले मैं तेरे लिए बहुत सारी बकरियां लेकर आऊंगा, मुझे जाने दे। तभी चिंटू को बचाने के लिए लाल रोबोट वहां आ जाता है और उस चीते को उठाकर कहीं दूर फेंक देता है और कहने लगा, देखा चिंटू मैं कितना पावरफुल हूँ, मैंने कितनी आसानी से चीता से तुम्हारी जान बचा ली। तभी उस जंगल में एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और कई लोग उसमें से बाहर आने लगते हैं। जिनमें से उनका एक बॉस था, वह जंगल में आने वाले लोगों को पकड़ा करते थे। तुम दोनों यहां आ तो गए हो, पर अब मेरे होते हुए यहां से जा नहीं पाओगे। ऐसा कहकर वह बॉस अपनी जादुई पावर का इस्तेमाल करता है और उन दोनों को एक पिंजरे में बंद कर देता है। अगर तुम दोनों यहां से बचकर घर वापस जाना चाहते हो तो मेरे मॉन्स्टर से मुकाबला करना होगा। और उसे हराना होगा, लेकिन उसे हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम दोनों में से जो अच्छा डांस करेगा वही विजेता होगा। मॉन्स्टर को नाचता हुआ देखकर चिंटू जोर जोर से हंसने लगा। रोबोट के डांस को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब तुम दोनों को फाइट करनी होगी और जो कोई भी जीतेगा वही असली विजेता होगा। और फिर उनमें फाइट शुरू हो जाती है। रोबोट की नज़र उस हेलीकॉप्टर पर जाती है और उसे एक आइडिया आता है।
वह उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। और इस तरह वह रोबोट उसे हरा देता है। रोजाना की तरह ही चिंटू और मोनू अपने गांव में बड़े मजे से घूम रहे थे, क्योंकि गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें अपने बगीचे के आम खाने को दिए थे। मोनू, आज बगीचे के मीठे मीठे आम खाकर मजा आ गया। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि कुछ ही देर में वह जमीन से लेकर और आसमान तक की सैर करने वाले हैं। तभी उनका दोस्त राहुल अपनी नई कार लेकर वहां से जा रहा था और वह अपनी कार से चिंटू और मोनू को एक जोरदार टक्कर मार देता है। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया, अब ये दोनों मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चिंटू बड़े गुस्से से राहुल को कहता है, ए राहुल के बच्चे, कैसे गाड़ी चला रहा है, आज तो हम दोनों को कटी पतंग ही बना दिया था। मुझे माफ कर दो चिंटू, मैं तो बस यह कार चलाना सीख रहा था। बस इतनी सी बात राहुल, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यह कार चलाना सिखाऊंगा। ऐसा कहकर चिंटू तुरंत राहुल की गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन पहले यह बताओ चिंटू, क्या तुम्हें यह कार चलानी आती है? नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी चलाना सिखाऊंगा और खुद भी सीख जाऊंगा मेरे यार। क्या? चलो मोनू, आकर गाड़ी में बैठ जाओ, हम कहीं दूर घूमने चलते हैं। फिर वह तीनों राहुल की नई गाड़ी को लेकर घूमने निकल जाते हैं। राहुल चिंटू को अपनी कार इस तरह चलाता देखकर डर जाता है और कहता है, अरे चिंटू जरा आराम से चलाओ, अगर इस कार को कुछ हो गया तो पिताजी मुझे बहुत मारेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो राहुल, मेरे होते हुए इस गाड़ी को कुछ नहीं हो सकता है। चिंटू और तेज चलाओ चिंटू और तेज। मोनू की बातें सुनकर चिंटू जोश में आ जाता है और राहुल की कार को बहुत तेज चलाने लगता है, जिस कारण उनकी कार एक पेड़ के साथ टकरा जाती है और वे सभी हवा में उड़ जाते हैं। एक तरफ बेचारा मोनू पेड़ पर जाकर लटक गया और दूसरी तरफ राहुल एक घोड़े पर जा गिरता है। घोड़ा राहुल को अपनी पीठ पर गिरा हुआ देखकर पागल हो गया और यहां वहां भागने लगा। कुछ ही देर में राहुल जमीन पर गिर पड़ता है और जोर जोर से रोने लगता है। यह बात उन तीन जादुई रोबोट्स को पता लग जाती है। बॉस, वो तीनों बच्चे हमारे इलाके में आ गए हैं, मैं अभी उन तीनों को पकड़कर आपके पास लेकर आता हूँ। यह देखो चिंटू, तुमने मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया, अब पिताजी मुझे मार मार के मेरी चटनी बना देंगे चिंटू। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मोनू को एक आवाज़ सुनाई देती है। तभी वह उस आवाज़ का पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जब चिंटू को मोनू दिखाई नहीं देता तो वह दोनों मिलकर मोनू को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। तभी वह रोबोट उन्हें पकड़ने के लिए आ जाता है। ए रोबोट, मेरे दोस्त मोनू को छोड़ दे, वरना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो, अभी तो मैंने किसी को पकड़ा ही नहीं, तो छोड़ूंगा कैसे। तभी उन सभी को वही सेम आवाज दोबारा सुनाई देती है। वे देखते हैं कि मोनू को तो जंगल के एक बहुत बड़े दानव ने पकड़ लिया है। ए दानव, उस बच्चे को तुम छोड़ दो, वो मेरा शिकार है, उसे मैं ही मारूंगा। ए नीले डिब्बे, अगर तुझ में हिम्मत है तो आकर इसे लेकर बता। रोबोट उस दानव को हराने के लिए खुद को उसके बराबर कर लेता है और फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है।
वह दानव उस रोबोट को हराने की पूरी कोशिश करता है, पर भला एक दानव के लिए एक हाईटेक रोबोट को हरा पाना काफी मुश्किल था। कुछ ही पलों में रोबोट उस दानव को मार गिराता है। इसी बीच वह सभी बच्चे मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं। यह देखकर रोबोट को गुस्सा आ जाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चिंटू।